नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज। आज हमारे साथ खास बातचीत में प्रभांशु सर्राफ हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री हैं। इनके थोड़े राजनीति करियर पे एक नजर डाल लेते हैं। 2011 से 2013 तक ये बजरंग दल में कार्य कर चुके हैं और 2013 से अब तक ये भारतीय जनता युवा मोर्चा में लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। प्रभांशु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत धन्यवाद। और मैं अनोखी आवाज न्यूज के समस्त दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पहला सवाल आपसे ये है, आपके जो हम उम्र के युवा हैं, उनकी ख्वाहिशें होती है डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम पेशों जाने की, आप राजनीति पे आपका कैसे आना, विरासत में मिली या फिर ऐसा क्या सहयोग हुआ कि आप राजनीति में एंट्री आपकी हुई? देखिए, निश्चित तौर पर बचपन से ही अपने घर में राजनीति मैंने देखा है। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरे पिताजी मेरे माताजी दोनों ही राजनीतिक जीवन में थे जी। छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मतलब विद्यार्थी जीवन से उन्होंने राजनीति किया। मेरे पिताजी जब अयोध्या की कार सेवा हो रही थी तो यहाँ से अपने साथियों के साथ कार सेवाओं में गए थे जी। जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी माताजी दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका थी और मेरे जन्म उपरांत वो छात्र संघ के चुनाव लड़ी और चुनाव भी जीती। पिताजी भी छात्र जीवन से राजनीति करते रहे और निरंतर अपने घर में सेवा की जो भावना होती है वो बचपन से मैं अपने घर से देखता रहा। पार्टी के प्रति किस प्रकार समर्पण हो, पार्टी को कैसे आगे ले जाया जाए, अपने विचारधारा को किस प्रकार आगे बढ़ाकर और भारत माता को परम वैभव पहुंचाने का काम जो हमारे घर परिवार से ही बचपन से चला आ रहा है, उसको ही देखकर मैं सोचा कि वास्तव में मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि आजकल के युवाओं को आपने देखा होगा कि, और ये सही बात भी है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, कि अपने अपने फील्ड को लोग देखते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन राजनीति जितना ये जरूरी है उतना राजनीति भी मेरे ख्याल से जरूरी है। क्योंकि ये पूरा देश जो होता है एक मिट्टी का टापू होता है और उस मिट्टी को, मिट्टी के टापू में डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सारे लोग होते हैं। लेकिन उस मिट्टी के टापू को अगर आपको घड़े के संरचना में लेकर आना है तो उसके लिए राजनीति की जरूरत पड़ती है। और राजनीति के माध्यम से जब अच्छे लोग ऊपर जाते हैं तो उस मिट्टी को मटके बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, इसलिए मुझे राजनीति में आने का बचपन से शौक रहा। अभी हाल ही में चर्चा थी, आपने युवा मोर्चा के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वीरेंद्र गोयल को जिला अध्यक्ष बनाया गया उससे आप खफा थे या ऐसा क्या था? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं, बल्कि रोकना चौकन सवाल ये भी था आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। जी नहीं, पहली बात तो जो इस्तीफा लिया आपने बात की थी वो निश्चित तौर पर मैं थोड़ा सा नाराज हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार रहा है कि मैं नाराज होकर इस्तीफा जरूर युवा मोर्चा के पद से दे दिया था, लेकिन मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, मेरे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे फोन किया और सीधे बोला कि ज्यादा परेशान मत हो, अपने काम में लगो। और मैंने जो नाराजगी थी एक दो दिन की थी वो दूर हो गई और ऐसा कोई बात नहीं, और जो नाराजगी थी तो वो मेरे से बात हो गई थी। कांग्रेस में ज्वाइन नहीं, कांग्रेस की जहां ज्वाइनिंग की बात है, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे सम्मान के खिलाफ कुछ हो रहा है इस क्षेत्र के और विचारधारा के खिलाफ कुछ चीज हो रही है, जिस दिन मुझे लगेगा उस दिन मैं राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा। लेकिन मेरे हाथ में वो नस बनी ही नहीं है जो कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में थाम सके। मैं जीवन में कांग्रेस में, बहुजन समाज पार्टी में, ऐसे राजनीतिक दलों में मैं कभी जा ही नहीं सकता। एक अभी जो मध्य प्रदेश में सियासत में चल रहा है राजनीति में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने पार्टी को बड़ा खरीद फरोख कर, बल्कि अभी हाल ही चल रहा है कि वहां बेंगलुरु में जो कांग्रेस के विधायक है उनको बंदी बना के रखा गया है, तो इस सियासत में जो चल रहा है वर्तमान में क्या करना चाहेंगे? देखिए, जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, कुल 230 विधानसभा में चुनाव हुए, बहुमत का आंकड़ा 116 था। मध्य प्रदेश के जनता ने निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी मैंडेट नहीं दिया था, 116 का आंकड़ा कोई भी राजनीतिक दल नहीं पाया था। लेकिन क्योंकि उसमें कांग्रेस के 114 सीट थे, लेकिन खरीद फरोख्त की बात तो कांग्रेस ने किया बहुजन वालों को, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े हो, विधानसभा का चुनाव जिसके खिलाफ आप लड़े हो, समाजवादी के पार्टी के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, उनको ही अपने पास जोड़कर आपने लंगड़ी लूड़ी सरकार बना ली जी। तो यहाँ पे खरीद फरोख की बात भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं रही है। आज भी जो भी विधायक बेंगलोर गए हैं, कहीं भी गए हैं, वो अपने स्वेच्छा से गए हैं,
उनको वो सम्मान अपने पार्टी में नहीं मिल रहा है, उनके काम को नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता में त्राही त्राही मचा हुआ है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, बच्चियां परेशान है, हर एक व्यक्ति इन परेशान है। तो विधायक जो है उनको ऐसे एक मंच पे रखा जाना चाहिए जहां पर वो एक निष्पक्ष और अपनी बात रख सके, उनको बंदी बनाने जैसी बात। वो हरदम, अभी उनका वीडियो आप देखे होंगे, अभी वीडियो आया, उन्होंने कहा मुझे किसी प्रकार कोई बंदिश बना के रखा है, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, अपने सुरक्षा से आया हूँ, अपने सुरक्षा से कोई घूम फिर रहा है, घूमने फिर लीजिए उनको। क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए पहले ही से ही बात ये क्लियर थी कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार लूली लंगड़ी सरकार है, वो बहुत दिन नहीं चलने वाली है। लगातार जिस प्रकार से माफिया राज का, जंगल राज का स्थापना इस मध्य प्रदेश में होना चालू हो गया, तो गिरना स्वाभाविक था, गिरा और गिरेगा आगे चल के, बहुत ही जल्द गिरेगा। और फिर से सुशासन जो मध्य प्रदेश में 15 साल से सुशासन का जो काम मध्य प्रदेश चल रहा था वो फिर से वापस हो जाएगा। एक और सवाल कर लेते हैं, लंबे समय में राजनीति में आप टाइम दे रहे हैं, चुनाव लड़ने की क्या मंशा है, आगे मैदान में उतर सकते हैं क्या? देखिए निश्चित तौर पर राजनीतिक जीवन में काम करना है, जन सेवा को भी लेकर मैं आगे बढ़ने का मेरा प्रयास रहा है। मेरे पिताजी स्वयं इस वार्ड से, वार्ड क्रमांक 41 से लगातार 2 बार पार्षद हुए, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और पार्षद बने। क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति के अंदर सेवा की भावना होती है तभी जनता उसको स्वीकार करती है, और 2-2 बार निर्दलीय चुनाव जीतना किसी व्यक्ति का तो ये स्वाभाविक आपको बता प्रमाण देगा, एक बड़ी चीज है 2 बार निर्दलीय चुनाव, एक परिणाम आपको मिल रहा है सामने कि वो चुनाव जीते। तो निश्चित तौर पर उस चीज को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा कि मैं आगामी चुनाव में अगर पार्टी की मंशा रही, जनता की मंशा रही, मैं 1-to-1 मैन जाके बात भी कर रहा हूं अपने जनता से, अपने लोगों से, अपने वार्डवासियों, जनता नहीं हमारे सब घर के ही लोग हैं, सब चाचा चाची लोग हैं, मामा मामी लोग हैं, तो मैं जाता हूं बात करता हूं। और निश्चित तौर पर उनका कहना है कि आप निश्चित तौर पर आगे चुनाव लड़े, और क्योंकि मुझे लंबी राजनीति करनी, मुझे मेरा मन में है कि मुझे लंबी राजनीति करनी है, तो ये प्राथमिक चुनाव जो मेरा रहेगा इस चुनाव में मैं लड़के एक अच्छी जीत हासिल करूं, और जीत हासिल करने के बाद अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को स्वर्णिम क्षेत्र बनाने में सफल हो सकूं, ताकि मैं आगे चल के मेरा जो लाइन है वो क्लियर हो सके। अब लंबी राजनीति की बात कर रहे हैं, इस लंबी दौड़ में आपको अपने को कहां पा रहे हैं, कहां तक आप सोच पा रहे हैं, कहां तक हम पहुंच पाएंगे? देखिए अभी मेरी इस राजनीति में भी इतनी कूटनीति हो गई है, इतना उठा पटक है, ऊपर नीचे है, तो कहां आप अपने आप को पा रहे हैं फिलहाल? देखिए नियत जिसके अच्छे हो किस्मत उसकी दासी है, और कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर में मथुरा काशी है, ये मैं एक वाक्य पढ़ा था। तो मैं अपने कर्म में विश्वास कर रहा हूं, भारत माता को परम वैभव पहुंचाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब सब भारत माता के ऊपर है, जो भी कूटनीति आएगा, जो भी कुछ आता है वो सब भारत माता देखेंगी, उनको परम वैभव पहुंचाना है, वो सब भारत माता के हाथ में है। सरकार जैसे बनती है सिंगरौली मध्य प्रदेश में, क्या सिंगरौली में किसी को स्थान मिलने वाला है क्या? अभी कुछ ऐसी सुगवार पार्टी में कुछ चल रही है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, अनुशासन का बहुत बड़ा विचारधारा हमारे में है। अभी भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका निर्णय सब शीर्ष नेतृत्व करता है। फिर भी लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 2018 के चुनाव में जब हमारे सीधी सिंगरौली का परिणाम देखेंगे तो लगभग लगभग क्लीन स्वीप जनता ने किया, और भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया है, और क्लियर मैंडेट देके यानी कि सरकार बनाने के लिए हमारी सिंगरौली और सीधी की जनता चाह रही थी कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। तो अगर बिंद की धरती से क्लीन मैंडेट मिल रहा है, सिंगरौली से क्लीन मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सिंगरौली से प्रतिरोध करने का मौका देना चाहिए। और वरिष्ठ विधायक हमारे यहाँ हैं, वरिष्ठ विधायक हैं जिनको काफी अनुभव है, 3-3 बार से विधायक रह चुके हैं, उनको कार्यपालिका विधायिका का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो निश्चित तौर पे उनको प्रतिरोध देना चाहिए जिससे मध्य प्रदेश सरकार को वो उपयोगी साबित हो सके। तो आप सुन रहे थे प्रभांशु सर्राफ जो अपनी पार्टी के निरंतर लगन समर्पण से कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना दीजिए, ज्यादा पुनः मुलाकात होगी देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।